हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आज तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी ट्राइकलर सैंडविच। सैंडविच वैसे तो सभी को पसंद आते हैं, बड़े छोटे सभी उसके फेवरेट होते हैं। तकरीबन हम अपनी लाइफ में डेली सैंडविच खाते हैं, लेकिन तिरंगा सैंडविच खाकर मन में एक देशभक्ति वाली फीलिंग आती है। तो आप इसे इंडिपेंडेंस डे पर सर्व करके एक पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं ट्राइकलर सैंडविच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को टच कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तिरंगा सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है, यहाँ ब्रेड है जिसके कॉर्नर को मैंने रिमूव कर लिया है, ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं, और फिर ये गाजर, इसको कद्दूकस कर लिया है, ये टोमेटो केचप है, ये हरी चटनी है, और ये खीरा है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये क्रीम है। आप या तो फिर क्रीम ले लें या बटर ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये चाट मसाला है, ये ओरिगैनो है। तो क्रीम सबसे पहले ऑरेंज कलर लाने के लिए मैं टोमेटो केचप में मैं डालूँगी क्रीम, फिर इसको मिक्स कर लेंगे जिससे खूब अच्छा ऑरेंज कलर आ जाएगा। क्योंकि हमें तिरंगा कलर लाना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से तिरंगा का कलर होता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर आ गया है, बिल्कुल देखने में ऑरेंज कलर लग रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कम लगे, ऑरेंज कलर नहीं लगे, तो आप इसमें और भी क्रीम डाल सकते हैं, डाल के इसको ऑरेंज कलर ला सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंगे सबसे पहली लेयर जिसमें लगाएंगे टोमेटो केचप, बहुत ही अच्छे से लगाना है। अच्छे से लग गया है। अब इसके ऊपर गाजर जो मैंने रखी थी कद्दूकस करके वो लगा देंगे, उसकी खूब अच्छा सा कलर हमें लाना है। थोड़ा चाट मसाला इसमें डाल देंगे, ओरिगैनो डाल देंगे, फिर अब इसके ऊपर ये लेयर रख देंगे। फिर अब दूसरी लेयर इस पर क्रीम लगाएंगे बहुत ही अच्छे से ताकि वाइट कलर दिखे। फिर इस पर भी एक लेयर लगा देंगे, हल्का सा पुश करेंगे। अब इस पर ग्रीन वाली जो चटनी है वो डालेंगे, देखिए खूब अच्छे से लग गई चटनी, ग्रीन ग्रीन हो गया है। अब इस पे इसको डाल देंगे खीरे जो कद्दूकस करके रखा था मैंने, अच्छे से लगाना है। फिर इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, ओरिगैनो डाल देंगे, फिर उसके ऊपर ये लेयर डाल देंगे, और फिर हल्के से पुश करेंगे। ये देखिए तिरंगा सैंडविच बनके तैयार है। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए तिरंगा सैंडविच
अगर आप लोगों को कलर कम लग रहा है तो आप लोग ऊपर से कलर लगा के अच्छा सा कलर देने के लिए आप इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा तिरंगा सैंडविच बनके तैयार है, बिल्कुल आसानी से बन गया। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल तिरंगा कलर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से नुमाया हो रहा है। आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे तो तरह तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और फिर आज़ादी की खुशियाँ मनाइए, फैमिली के साथ बना के इसको शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपकी फैमिली मेम्बर को ज़रूर पसंद आएगा और बच्चों को तो ये लाजवाब ही लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।